डाउन लोडेड गुड्स ट्रेन सनावा रेलवे स्टेशन से थ्रू हो गई है GU49031 लोकोमोटिव के साथ। लेवल क्रॉसिंग बंद है ट्रेन के लिए। इसके साथ इस ट्रेन के साथ 40 लोडेड ZBKH कोल होपर्स वैगन लगी हुई हैं और एक ब्रेक वैन, यानी टोटल लोड है 41 का, और इस ट्रेन का टोटल लोड भी 3300 टन है, यानी जितना लोड GU40 खींच सकता है उसका पूरा लोड जो है ना लगा हुआ है GU40 के साथ। आज डेट है 26 अक्टूबर 2023, टाइम है 3:25 और काफ़ी स्पीड में आ रही है डाउन यूसफवाला कोल्स। अच्छी स्पीड से आ रही है ट्रेन। और इंजन की जो फ्रंट साइड है वो भी न्यूली रिफर्बिश्ड है, यानी धूप में चमक रही है। एक्सप्रेस 127 अब राइट टाइम सलाम रेलवे स्टेशन पर अराइवल कर रही है लोकोमोटिव HPU 28082 के साथ। मेयर एक्सप्रेस के साथ 10 कोचेज लगी हुई हैं, जिनमें 2 असिस्टेंट कोचेज, 1 पावर वैन और 7 इकॉनमी क्लास कोचेज, और यानी कि ट्रेन का टोटल लोड है 465 टन। आज डेट है 28 अक्टूबर 2023, 5:20 हैं।
काफ़ी स्पीडी अराइवल होगा, ऐसे लग रहा है ट्रेन की स्पीड काफ़ी है इस टाइम। अस्सी बयासी के छः थ्रॉटल नाचिज हैं और छः ट्रैक्शन मोटर्स हैं। मैंने 80-82 की कैब राइड की हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त पावर है, यानी स्पीड पिक बहुत जल्दी करती है। अराइवल ऐसे लग रहा था कि तेज़ होगा बहुत, लेकिन बहुत ही स्लोली अराइवल है। काफ़ी स्पीडी डिपार्चर 80-82 का 127 आपके साथ। थाला एक्सप्रेस 129 आप राइट टाइम सनावा पहुंच रही है 80-79 लोकोमोटिव के साथ। डेट आज 28 अक्टूबर 2023 8:32। 80-79 8 थ्रॉटल लाचिस और 6 ट्रैक्शन मोटर्स पर मुश्तमिल है।
गुड्स ट्रेन सनावा रेलवे स्टेशन से थ्रू हो गई है 4908 लोकोमोटिव के साथ, और लोकोमोटिव भी LHF मोड में है। यानी सुबह ये लोकोमोटिव 7:30 बजे पास हुआ था सनावा से, लाइट इंजन अप साइड से आया था, उस वक्त ये सीधा था। तो ये क्या था, डेरा गाजी खान, वहाँ से एक गुड्स ट्रेन ठहरी थी उसका लोड लेने। तो आप तकरीबन 10 घंटे के बाद ये डेरा गाजी खान से अगेन वापसी आ रहा है महमूद कोट की तरफ। आइए फिर देखते हैं सनावा लेवल क्रॉसिंग से 4908 के साथ गुड्स ट्रेन पास होते हुए। आज डेट है 26 अक्टूबर 2023, टाइम 6:40। और ट्रेन बहुत ही स्लो आ रही है, नॉचिंग अप साउंड सुनाई दे रही है GMCU 15 की, बहुत ही स्वीटेस्ट। पावर सीधी थी और लोड भी छोटा था।